बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। साप्ताहिक राशिफल क्या है ये जानते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर को लेकर पिछले दिनों में आपको थोड़ी परेशानियां जरूर थी, वो परेशानियां इस सप्ताह की शुरुआत में दूर हो जाएंगी। दौड़ भाग थोड़ी बहुत इस सप्ताह में आपको करनी पड़ेगी, लेकिन दौड़ भाग से आपको फायदा होगा, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने रहेंगे। इस सप्ताह के मध्य में बुध बृहस्पतिवार को आपको ध्यान रखना है कि बेवजह के विवाद ना हो आपके ऑफिस में या आपके घर पर, और बेवजह की मानसिक चिंताएं ना हो इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। हालांकि आप देखिए मेष राशि वालों के लिए जो ये समय चल रहा है वो उनके विवाह तय होने का योग भी दिखा रहा है। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इस समय आपकी शादी तय हो सकती है या हो सकती है, इसकी संभावनाएं प्रबल रूप से आपके लिए बन रही हैं। और सप्ताह के अंत में आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं और ये यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभकारी रहने वाली है। तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है, केवल सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है, उसका अगर आप ध्यान रखें तो सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर सोमवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। वृषभ राशि, आपके करियर की स्थिति में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला चल रहा था कि इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं। सप्ताह की शुरुआत से आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा। इस समय आप नए काम की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय नए काम की तरफ आपका झुकाव भी दिख रहा है। सप्ताह के मध्य में ऐसा लग रहा है किसी शादी में, पार्टी में, मनोरंजन के कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में भी सफलता मिलेगी। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई एग्जाम देने वाले हैं, किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिख रही है। सप्ताह के अंत में, बिल्कुल अंत में, आपको दुर्घटनाओं से बचना होगा, चोट चपेट न लगे इसका ध्यान रखना होगा, और बेवजह के विवाद न हो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो पूरा सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है और इस सप्ताह का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। लेकिन सप्ताह के अंत में वाहन दुर्घटना से आपको बचना है, बेवजह के झगड़ा लड़ाई और वाद विवाद ना करें। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मंगलवार के दिन करें तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्रा के साथ होती दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ तो जरूर हो रहा है, धन को लेकर मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन आपके खर्चे भी इस समय ज्यादा बढ़े रहेंगे और खर्चों के बढ़ने की वजह से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। इस सप्ताह में अपने कर्जे चुकाइए, अगर पैसे आ रहे हैं उसे बेवजह खर्च मत करिए, अपने कर्जे चुकाइए और अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का इस सप्ताह में प्रयास करिए। किसी मित्र की सहायता इस सप्ताह में आपको मिलेगी और अगर ऐसी कोई सहायता मिल रही है तो सहायता लीजिए और अपने रुके हुए काम निपटाइए, क्योंकि मित्र की सहायता से इस सप्ताह में रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा, आपकी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हो सकती है या आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। तो मिथुन वालों के लिए भी पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है।
अंतिम दिन यानी रविवार के दिन आपको ध्यान रखना होगा चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। कर्क राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको दिख रहा है। जीवन में बहुत सारे बदलाव इस समय हो रहे हैं और जब जीवन में बहुत सारी चीजें बदलती है ना तो सब कुछ बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो मेंटली टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, जो बदलाव हो रहा है उसे स्वीकार करें और थोड़े समय तक इंतजार करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब चूंकि मन से परेशान है इसलिए स्वास्थ्य में भी थोड़ी समस्याएं इस सप्ताह में आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए एक बात समझिए, शांति और धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस रखेंगे, शांति रखेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और इस समय आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। थोड़ी सी मानसिक परेशानी की वजह से आप नौकरी बदल दें, आप शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करने लगें, कोई सामान बेचने लगें, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, अभी दिमाग को शांत करिए पहले। देखिए सब कुछ बुरा नहीं है इस हफ्ते में, शुरुआत में दिक्कतें जरूर हैं लेकिन आप देखेंगे कि बृहस्पतिवार से चीजें बेहतर होंगी। संपत्ति और करियर के मामले में आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर कोई संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं वहां फायदा होगा और अगर करियर में कोई सुधार चाहते हैं तो वहां फायदा होगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह के अंत में किसी शादी पार्टी में, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, यानी शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ा तनाव है लेकिन सप्ताह खत्म होते होते जिंदगी रास्ते पर लौट आएगी। देखिए शुक्रवार का जो दिन है इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप सोच समझ के शुक्रवार के दिन इस काम को कर सकते हैं। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी न किसी यात्रा पर जाने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है और देखिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी पारिवारिक स्थिति में, आपकी मानसिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। सप्ताह के मध्य में, मिड में यानी बुध बृहस्पतिवार के आसपास आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, सर्दी जुखाम बुखार से सावधान रहना होगा। इस सप्ताह शिक्षा और नौकरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में अगर कोई शिक्षा के परिणाम आने वाले हैं या आपने कोई इंटरव्यू दिया है या नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं उस मामले में इस सप्ताह में सफलता मिलेगी आपको। यानी थोड़ा सा ध्यान बीच में एक बुध बृहस्पतिवार को आपको सेहत का देना है, बाकी पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है और सप्ताह के अंत में आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग भी बन रहे हैं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन निपटाते हैं तो आपके काम आसानी से बन जाएंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। सेहत को लेके सप्ताह की शुरुआत में दिक्कतें रह सकती हैं, उसका आपको ध्यान बनाए रखना होगा। हालांकि देखिए स्वास्थ्य तो थोड़ा कमजोर दिखता है लेकिन धन लाभ की स्थितियां अच्छी हैं और इस समय कोशिश करने से आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में आपके लिए यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। बुध बृहस्पतिवार के आसपास किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं या जा सकती हैं, ये संभावना बनती है। और इस सप्ताह में परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं और परेशानियां हो सकती हैं, उस चक्कर में आपकी व्यस्तता भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने में, उनकी सेवा सहायता करने में। सप्ताह के अंत में आपको उपहार और सम्मान का लाभ मिलता दिख रहा है। यानी ये सप्ताह थोड़ी सी मुश्किलें कन्या राशि वालों के लिए दिखा रहा है। अपने स्वास्थ्य का, अपने परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है
और अपना काम भी करना है, अपनी व्यस्तता को मैनेज भी करना है। ये प्रेशर इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। हालांकि सप्ताह अंत तक आते आते आपको किसी उपहार का, सम्मान का लाभ अवश्य मिल जाएगा। बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम होगा। कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए लाभ की अच्छी स्थितियां बन रही हैं। पिछले दिनों में पैसे तो आपके पास जरूर आए, लेकिन निरंतर नहीं आए, रेगुलर नहीं आए, कभी आए कभी नहीं आए। बट इस सप्ताह में आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं, लगातार धन का आगमन होता रहेगा। और जो भी आप काम करते हैं, खासतौर से अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में आपका काम बढ़ता जाएगा, व्यवसाय में आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। संतान पक्ष की जो चिंताएं हैं आपकी, वो इस सप्ताह में निश्चित रूप से समाप्त होंगी। संतान को लेकर जो भी टेंशन है वो इस सप्ताह में दूर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आपको करना क्या है, पैसे आ रहे हैं, समय बेहतर है, चीजें बेहतर धीरे धीरे हो रही हैं, तो इस सप्ताह में आप अपने रुके हुए काम निपटाइए, जो भी आपके रुके हुए काम हैं, और जो भी आपके कर्जे हैं उनको चुकाने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। तो अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में निपटाइएगा। सिर्फ आपको सप्ताह के अंत में ध्यान रखना है, सप्ताह के अंत में परिवार में, ऑफिस में बेवजह के विवाद ना हो, शांति रखिएगा सप्ताह के अंत में, क्योंकि ये सप्ताह शानदार है, इसका फायदा उठाइए। शनिवार और रविवार को शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम आप शुक्रवार के दिन करें, महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवार के दिन लें, तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम को लेकर मन में तनाव है। आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, जिस नए काम की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो काम सही है या गलत है। और आपको मेहनत की ज्यादा जरूरत है, मेहनत से भी परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा तनाव सप्ताह की शुरुआत में दिख रहा है। लेकिन आपको ध्यान कहां रखना है, एक तो धन के खर्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय पैसे तो आएंगे जरूर, लेकिन धन का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। और इस समय आपको निर्णयों को लेकर भी सावधानी रखनी होगी, अपने डिसीजंस को लेकर के गलतियां मत करिएगा। शुरुआत में आपको अलर्ट रहना है। हालांकि देखिए, बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, काम में तेजी आएगी, मेंटल जो तनाव है, मानसिक जो तनाव की स्थिति है, वो स्थिति दूर होगी और आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के मामलों में इस सप्ताह में तेजी आ सकती है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, और अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। तो देखिए, वृश्चिक वालों के साथ बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं, बहुत सारा परिवर्तन चल रहा है। शुरुआत में थोड़ा सावधानी रखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आपके रास्ते पे आएंगी, और बहुत सारी नई चीज़ें इस समय रास्ते पे आ रही हैं, तो उन्हें पहले टेस्ट करके, देखकर, समझ करके आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। धनुराशि, सप्ताह की शुरुआत हुई और यात्रा के लिए आप तैयार हो जाइए। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग जरूर बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में काम में काफी व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप जिस तरीके से काम करेंगे, जिस तरीके से मेहनत करेंगे, उस मेहनत को, आपके काम को सम्मान मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपको बुध बृहस्पतिवार को ध्यान रखना है कि आपके परिवार में बेवजह के विवाद ना हो और आपको सर्दी जुकाम बुखार ना हो जाए, स्वास्थ्य आपका बिगड़ ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा।
इस समय आकस्मिक धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। यानी अगर आप कोशिश करें तो इस समय आपको पर्याप्त पैसा भी मिलेगा, कोई संपत्ति भी खरीद पाएंगे, संपत्ति संबंधी मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। और सप्ताह के अंत में आपको करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना मिल सकती है, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो धनु वालों को सप्ताह में व्यस्तता देखनी है। सप्ताह के मध्य में सर्दी जुकाम बुखार से बचना है, लेकिन आप देखिए ये सप्ताह आपको शुभ सूचनाएं भी दे रहा है, आपके करियर में आपके लिए प्रतिष्ठाओं के संकेत भी दिखा रहा है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। देखिए आप बेवजह इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आपका करियर ठीक नहीं है। सब कुछ पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है, जिंदगी आपकी रास्ते पर चल रही है। ऐसे में बेवजह चिंताएं मत पालिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस सप्ताह में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और काम का जो प्रेशर है, काम का जो दबाव है, वो भी काफी हद तक आपका कम होगा। यानी आराम से काम करने का मौका इस सप्ताह में आपको मिलेगा। देखिए परिवार में जिम्मेदारियां थोड़ी हैं आपके ऊपर, आपको पता होगा, थोड़ी ज्यादा भी हैं। तो इस समय में पारिवारिक मामलों में आपके व्यस्तता रहेगी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी, उसका ध्यान रखिएगा। अब धन का मामला आपके लिए बहुत अच्छा है, धन की प्राप्ति आपको इस सप्ताह में अच्छी तरीके से होती रहेगी और संपत्ति संबंधी काम, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो सारे काम भी आपके बनेंगे, ये संभावना दिख रही है। तो देखिए ये सप्ताह आपके लिए बड़ा रिलैक्सिंग है, आपके प्रेशर को, आपके दबाव को, आपकी चिंताओं को समाप्त करेगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिंदगी रास्ते पर आ जाएगी, मेंटली आप ठीक रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। सप्ताह के अंत में अगर आप गाड़ी चलाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा और बेवजह घर में चोट न लग जाए, फिसल के गिर न जाए, थोड़ा सा ध्यान सप्ताह के अंत में इस बात का रखना होगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल है, विशेष शुभ है। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उसके विशेष फायदे आपको इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं और करियर से, धन से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। शिक्षा के मामले में और काम के मामले में आपकी व्यस्तता इस सप्ताह में भी बनी रहेगी, ये संभावना दिखाई दे रही है। यानी चीजें बेहतर तो होंगी लेकिन अभी आप आराम नहीं पा सकेंगे, अभी पढ़ाई, कंपटीशन, करियर, काम, इस मामले में आप व्यस्त बने रहेंगे। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा, पैसे की कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। खर्चे थोड़ा सा परेशान इस सप्ताह में कर सकते हैं, जिस पर अगर आप ध्यान देंगे तो मामला बहुत गंभीर नहीं है। सप्ताह के अंत में किसी परिजन के लिए, किसी परिचित के लिए, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, उसके जीवन के लिए आपको तनाव हो सकता है। आपके अपनी वजहों से नहीं, अपने परिजन की वजहों से आपको बेवजह का तनाव हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, मेहनत तो जरूर है इस सप्ताह में, लेकिन बहुत सारी हर तरफ से सफलता मिलती हुई कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह में दिख रही है। शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका मन परेशान दिखाई दे रहा है। आप अपने करियर को लेकर और जीवन को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के बेवजह की चिंताएं कर रहे हैं, ये चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं। देखिए पहली बात यह है कि जो भी कुछ थोड़ा सा तनाव दे रहा है
वो आपको बता दूं कि सप्ताह के मध्य से ठीक होना शुरू हो जाएगा। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। शुरुआत में ये बात जरूर है कि तनाव जरूरत से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बुधवार का दिन शुरू होगा आपकी स्थितियां बेहतर होंगी और तनाव आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सप्ताह के मध्य से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और इस समय आपके नए रास्ते भी बनेंगे। काम के लिए नए रास्ते बनने की संभावना भी इस समय दिखाई देगी, लेकिन मध्य के बाद। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जो शुभ सूचना किसी यात्रा से संबंधित हो सकती है, करियर से संबंधित हो सकती है या आपके विवाह से संबंधित हो सकती है। ऐसी कोई शुभ सूचना आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, तो शनिवार के दिन महत्वपूर्ण काम करिएगा और सप्ताह की शुरुआत में जो तनाव हो रहा है ना, उसको लेके बहुत परेशान मत होइए। थोड़ी सी शांति रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो 2-3 दिन की बात है, उसके बाद चीजें बेहतर होती चली जाएंगी।